एजुकेशन डिप्लो हुआ जा रहा हो आपका अंडर योर गाइडेंस, आप बहुत सालों से इसमें जुड़े हैं, तो पहले एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, पहला कैसा था और अभी का आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये डिक्रियो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये पहले चल रहा था 2018 से हो रहा है, लेकिन बीच में जो पैंडेमिक हुआ आप सबको पता है कोरोना, उसके लिए कोविड को लेकर दो साल नहीं कर पाए हम लोग, तो 2020 में और 2021 में, तो 18-19 फिर 22-23-24 ये है 19 से। तो पहले कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो बहुत बिगनिंग में इनिशियल स्टेज में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है, फिर भी अच्छी बात ये है कि हर चीज़ की तरह ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका। और डिक्रियो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के तहत हमने ये सोचा कि हम अपने कॉलेज तक ही सीमित न रखें, भले ही हालांकि खर्च तो हमारे कॉलेज का होता है, एक्सपेंडिचर दूसरी जगह से हम लोग कुछ भी फंड नहीं लेते, कहीं से भी नहीं, ना कोई अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन से भी हम एक पैसा नहीं लेते। इस बार हमने APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के साथ कोलाबोरेट किया है और मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम आज इवनिंग को साइन करेंगे, उसमें प्रेसिडेंट पद्मश्री श्री YD थोंगची साहब आएंगे, उनके साथ हमारा मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा बाजाफ्ते। तो ये इस बार कोलाबोरेशन में कर रहे हैं देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एंड APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। तो पहले होता था ये हमारा एक था पोएट्री क्लब और आर्ट्स क्लब, ये दोनों ज्वाइंटली करते थे हमेशा, थर्ड एडिशन तक ऐसा चला। इस बार ये फोर्थ एडिशन में पोएट्री क्लब का नाम बदल कर हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म करके ब्रॉड हराइजन में ले गए और लिटरेरी क्लब का नाम दिया। तो लिटरेरी क्लब एंड आर्ट्स क्लब कॉलेज की है, तीनों तीन तीन फैकल्टी हैं दोनों में, वो लोग मिलकर आपस में द कन्वेनर्स द मेंबर्स ऑफ बोथ आर्ट्स क्लब लिटरेरी क्लब आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं इन कोलाबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। और आप जैसा देख सकते हैं दिनों दिन पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, अरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है और हम एक बिग ब्रदर के रोल को निभा रहे हैं। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, 45 ईयर्स होने वाला है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं ईटानगर कैपिटल रीजन में सबों को हम इन्वाइट करते हैं 2 पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच इवेंट। तो फिर ये आर्ट्स क्लब वर्कशॉप भी करा रही है, वर्कशॉप ऑन पेंटिंग, कॉम्पिटिशन ऑन पेंटिंग ड्राइंग, देन अगेन लिटरेरी क्लब जो है वो उसका इवेंट्स पोएट्री सेल्फ कंपोज्ड पोएट्री रिसाइटेशन कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, शॉर्ट स्टोरी राइट रीडिंग कंपटीशन, ये सारा कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है बच्चों में, बहुत इंथ्यूजियाज्म है, उत्साह है। और मेनी इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ईटानगर कैपिटल रीजन आर पार्टिसिपेटिंग, ये इसका सक्सेस स्टोरी जो है वो दूर दूर तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, चलेगा बढ़ेगा, ताकि एक जो क्रिएटिव टैलेंट है हमारे बच्चों में, तो चाहे वो देरा नातुंग कॉलेज के हों या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हों ईटानगर कैपिटल रीजन के, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, फॉर्म देते हैं, नर्चर करते हैं। हमारे जो फैकल्टी इन्वॉल्व्ड हैं आर्ट्स क्लब और लिटरेरी क्लब, वो उनको गाइड करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट और लंच, सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा यही पर्पस है कि जो बच्चे कल को अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे पोएट बन सकते हैं, अच्छे स्टोरी राइटर बन सकते हैं, तो उनको कॉलेज डेज में, यूनिवर्सिटी डेज में उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फॉर्म चाहिए, जो नहीं है वो मिस करते हैं, तो हम उनको ऑफर करते हैं, वो अपने टैलेंट को डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है विनर्स को और सर्टिफिकेट्स भी मिलती है। तो ये है हमारे जैसे आपने बोला दिन बार दिन ये जितना प्रोग्राम्स जो एक्सपांड होते जा रहा है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या पता कमिंग डेज में आप लोगों को जो फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत जरूरत हो सकता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? अभी तो हम इंटरनल रिसोर्स से, जो कॉलेज का अपना रिसोर्स है इंटरनल रिसोर्स, उसी से हम कराते आ रहे हैं। आज ये फोर्थ एडिशन चल रहा है, अब तक कहीं से कोई लिया नहीं हमने, लेकिन आने वाले टाइम में, आपका प्रश्न सही है, क्वेश्चन सही है। तो फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर
को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्यूचर में, अगर मान लो हम इसको स्टेट लेवल करते हैं, रीजनल लेवल पे ले जाते हैं या नेशनल लेवल पे कल को करते हैं, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमको फंड की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा है अपने आर्ट्स क्लब के कन्वीनर को और लिटरेरी क्लब के कन्वीनर को कि वो दोनों जॉइंट एक प्रपोजल बनाएंगे, हम गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमको इसके लिए एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक फंड एलोकेट करेगी, तो हम और अच्छे से कराएंगे। जी सर, आपने बताया आज शाम को भी तुमसे सर भी आएंगे जिसके सामने कुछ आप लोग सबमिट करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा आप लोग ने कोई स्पेसिफिक मेंशन किया है ताकि आने वाले समय में इस इवेंट को लेकर उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट दिया जाए या कोई भी ऐसा आप लोग ने दिया? एक्चुअली APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, इनके पास भी फंड की कमी रहती है, फिर भी उसके बावजूद मुझे पता चला है कि थोड़ा उनसे सहायता मिल रही है आज के इसमें, और जो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा आज शाम में APLS प्रेसिडेंट और कॉलेज अथॉरिटी के बीच, तो उसका कंटेंट यही रहेगा कि आने वाले दिनों में हम दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके वी विल बी पार्टनर्स टू ऑर्गेनाइज मोर सच इवेंट्स। तो लिटरेरी इवेंट्स भी करेंगे और आर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स भी करेंगे, नॉट ओनली फॉर डिक्रियो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अदर events also shall be organized more frequently, maybe poetry recitation sitting, maybe a story writing painting competition, to ye monthly feature ho jayega aate aate ye annual se is tarah se karenge. First of all, a very good morning, and my name is Kenji Kamsi and I'm from Dehradun Government College, aur aaj Dikriyo festival ke madhyam se hum apna jitna bhi handmade samaan hai yahan pe hum log display karke bech rahe hain aur hum log kehte hain handmade ko promote kar rahe hain, jo ki hum log apna आजकल हम लोग खुद को ग्रेनी एरा में मानते हैं, ग्रेनी एरा जो दादी माँ लोग होते हैं वो लोग ही हम लोग के लिए क्रोशे करता था, बट ये ग्रेनी स्क्वायर क्रोशे को हम लोग और आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हम यंगस्टर को यही बोलना चाहेगा कि ये सूता से आप लोग बहुत सारा क्रिएटिविटी कर सकते हैं ना, और अपने लिए भी बहुत सारा चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारे इनोवेशन है, और इसमें क्या था आप चाहे तो गिफ्ट दे सकते हैं, हैंडमेड आइटम्स अगर आप अपना दोस्तों को और पेरेंट्स को देते तो बहुत अच्छा बात है। सो मच, इन द फर्स्ट प्लेस वी आर सेलिब्रेटिंग दिक्रो फेस्टिवल फॉर द फोर्थ एडिशन, एंड दिस टाइम हम लोग लिटरेरी क्लब और आर्ट्स क्लब कोलाबोरेटिवली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन द बैनर ऑफ देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज। दिस टाइम वी आर हैविंग कंपटीशन, इट्स जितना ICR में हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है उसका इंटर इंस्टीट्यूट कंपटीशन है, तो वी हैव पेंटिंग कंपटीशन, पोएम रिसाइटेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरी रिसाइटेशन रीडिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, इसका कंपटीशन है, और ऊपर से वी हैव पेंटिंग वर्कशॉप दिस टाइम, एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू साइन एन MOU विद APLS, which is Arunachal Pradesh Literary Society and Dehradun Government College. इस बार हमने देखा है participants जो students हैं बहुत सारा ज़्यादा दिख रहा है पहले से, तो बताएंगे कैसा मतलब changes है? Yeah, response बहुत अच्छा होता है हर साल, जैसे हम लोग दिक्रियो सेलिब्रेट करते हैं आगे जाके और अच्छा होते जा रहा है, दिस टाइम रेस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग है, एंड इफ नॉट अगर और इंस्टीट्यूट्स भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियस उनका भी अपना फॉर एग्जांपल हिमालयन यूनिवर्सिटी का अपना कंपटीशन चल रहा है इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जितना पार्टिसिपेंट्स आया है बहुत अच्छा है, इट्स वेरी एनकरेजिंग। सर, इसका जो सपोर्टिव एंड जो फंडिंग का डिटेल्स थोड़ा उसको भी जानना चाहेंगे, किस तरह से किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, क्या सपोर्ट है? इट्स टोटली स्टूडेंट्स फंडिंग है, स्टूडेंट्स फंडिंग मतलब कॉलेज का ही है, तो वी डोंट गेट एक्सटर्नल फंडिंग फॉर दिस, ओनली विद द कोलैबोरेशन विद APLS, तो थोड़ा सा एक टोकन अमाउंट देता है APLS जो थोड़ा इधर उधर का जो लॉजिस्टिक खर्च है उसको देखने के लिए, अदरवाइज कॉलेज बेयर्स इट ऑल। जो पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स रहेगा उन लोगों के लिए क्या क्या आप लोगों ने रखा है और कमिंग डेज में इसका क्या फायदा मिल सकता है? विनर्स के लिए कैश अवार्ड है, नॉमिनल कैश अवार्ड है, तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं दे सकते, दैट्स जस्ट टू एनकरेज, एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है और विनर्स का सर्टिफिकेट है विच दे कैन यूज इन देयर नियर फ्यूचर फॉर देयर करियर डेवलपमेंट। तो अभी शाम का आज अभी को लेकर शाम तक का क्या क्या इवेंट बचा है उसको भी थोड़ा बता दीजिए। सुबह हो गया है अभी पोएम रिसाइटेशन इंग्लिश और हिंदी का हो गया, अभी चल रहा है पेंटिंग वर्कशॉप चल रहा है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी रीडिंग होगा, एंड इवनिंग को कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, ड्रामा डांसेस होगा और या सिंगिंग, एंड देन विल हैव दैट ऑफिशियल साइनिंग ऑफ MOU, एंड लिटरेरी क्लब का जो फॉर्म है उसको भी आज लॉन्च किया जाएगा।
आज तो आपने बच्चों लोग को एज अ रिसोर्स पर्सन बहुत सारे स्किल क्या क्या दिया है थोड़ा बताएगा और आप एज अ लाइक आज रिसोर्स पर्सन आपने भी कुछ बहुत कुछ बच्चों को बताया है जी थोड़ा पहले तो मुझे ऐसे रिसोर्स पर्सन बुलाया है डीएन कॉलेज में। तो बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मल जो फाइन आर्ट्स का बारे में हम लोग सब मालूम है कि ड्राइंग करना है पेंटिंग करना है कलर्स है, बट आज में हम सोचा कि थोड़ा डिफरेंटली करते हैं ना, क्योंकि एक तो है कि आउटडोर में ये प्रोग्राम रखा है और अच्छा अभी ज़रा कोई गर्म भी नहीं हुआ है, प्लीजेंट वेदर है, थोड़ा बहुत गर्म है तो, एंड जो ग्राउंड में जो अभी जो पत्ता ट्रीज से जो गिरा हुआ है बहुत कारपेट जैसा बन गया है, बहुत सुंदर है। तो इसी को ही अगर यूज़ करके, क्योंकि आर्ट इज ऑल्सो टू एक्सप्लोर द लोकल मटीरियल राइट और अवेलेबल मटीरियल, तो इस पत्ता को ही यूज़ करते हुए उनको कुछ फॉर्म या कुछ अगर लाइंस में कुछ शेप देता है तो इटसेल्फ एक आर्ट वर्क हो जाएगा। तो यही एक्सरसाइज एक शॉर्ट पीरियड के लिए करवा रहा है रिस। सर इस रिक्रू एडिशन फोर्थ एडिशन में आप बहुत समय से जुड़े होंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि अभी पहले से और अभी कितना बेटर हो गया है और अभी कैसा लग रहा है आपको देख के। सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली कि मतलब रिक्रू ये जो फेस्टिवल है मेरा ये फर्स्ट टाइम है। एक्सपीरियंस बताइए। हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मतलब एक तो है कि डीएन कॉलेज में हम लास्ट में भी 2007 और 8 में आया था, तो आफ्टर मेनी ईयर विजिटिंग ईयर एंड पूरा एकदम कैंपस डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब आए थे ये जो एटमोसफियर जहाँ पे अभी जो ये जो आर्ट वर्क कर रहे हैं या जिस जो स्टेज सजाया है वो एटमोसफियर नहीं था, तो बहुत मच मोर इंटरेक्टिव एंड मच मोर जो कैंपस का जो यूज है स्पेस का वो बहुत बेहतर लग रहा है इस प्रोग्राम के वजह से। I believe this will grow further more and more. अभी हमारे साथ जुड़े हैं पद्मश्री अवार्डी सर वाईडी तोंगची सर जी, जो कि लगातार इस एडिशन यानी कि डी क्रू जो कि एडिशन जब सबसे शुरू हुआ था लगभग 3 साल से आप यहाँ जुड़े हैं सर। तो फर्स्टली हमें आपका एक्सपीरियंस बताएं और पहले शुरुआत में आप जब से 3 साल से थे पहले कैसा था और आज कैसा लगता है सर? शुरुआत से जो हम देख के आ रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये साल खराब हुआ ये साल अच्छा हुआ ये बात नहीं बोल सकते। एक ऐसे एक माहौल में ऐसे एक इनोवेटिव वे में जो प्रोग्राम कर रहा है क्रिएटिव प्रोग्राम, आप कल्चर का बारे में बोले, आर्ट का बारे में बोले, लिटरेचर के बारे में बोले,
सब कंबाइन करके जो क्रिएटिव वे पर इनोवेटिव वे पर जो प्रोग्राम कर रहा है बहुत ही सराहनीय है। सर इसके साथ आप लगातार जैसे कि इस दिक्कत को आप विटनेस करते आ रहे, तो क्या लगता है पहले के कंपेयर में और आज के कंपेयर में जो बच्चे इतने सारे पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गया है, तो इसका स्कोप कैसा देख सकता है इन कमिंग डेज में? सर स्कोप बहुत ही अच्छा है, इसका और भी ये एक्सपेंशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी पार्टिसिपेंट्स है। लास्ट ईयर बारिश हो जाने के वजह से कुछ कमी हो गया था, जैसे कि जमा तो हुआ था मगर लोगों को बारिश के वजह से फंकना पड़ा। इस बार माहौल भी इतना अच्छा हो गया, लोग दिल खुल के पार्टिसिपेट किया बहुत। तो सर जैसे कि सब बहुत लोगों का मानना है कि आज के इस डिजिटल एरा में लोग लिटरेचर कंटेक्स्ट को भूलते जा रहे हैं, सर तो आप वन ऑफ द वो व्यक्ति है जो लिटरेचर इन अरुणाचल, नॉट ओनली अरुणाचल सोसाइटी में पूरा जिसका योगदान है बरकरार रखते हैं सर, तो आपका क्या मानना है इस पर, आप क्या सोच सकते हैं? मैं नहीं बोलूँगा कि लिटरेचर का वो जो कमती हो गया है, पहले लोग किताब पढ़ता था, कागज में पढ़ता था, वो भी मोबाइल में पढ़ता है, अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ता है, लैपटॉप पर पढ़ता है। पढ़ना जो है आदमी ने नहीं छोड़ा बल्कि बढ़ा ही है। पहले तो जिसको किताब मिलना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए पॉपुलेशन भी कमती था। आज पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है, ये पढ़ाई का कमती नहीं हुआ और इसलिए लिटरेचर को भी ख़त्म नहीं होगा। हम बता दें सर, सर के जो जितने भी बहुत सारे बुक्स है अलग अलग कैटेगरी के, जिनमें से लगभग नॉवल, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग, फोक टेल्स और हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी, ऐसे कई सारे किताब है नॉट इन अरुणाचल, बहुत सारे प्रदेश में पूरे इंडिया का पढ़ा जाता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई दूसरा कुछ किताब या सोचा है ताकि हम जान पाए और पढ़ पाए? मेरा एक किताब आ रहा है, शायद नेक्स्ट मंथ में पब्लिश हो जाएगा, वो जो है तंगसा कल्चर के ऊपर में है, मोमल फेस्टिवल के ऊपर में, उधर कैसे अपना कल्चर जो है ड्यू टू ऑनस्लॉट ऑफ द फॉरेन कल्चर कैसे ईस्टिंग का कगार पर खड़ा होकर कैसे रिफाइव हो रहा है, इसके बारे में है। मैं वो भी सोच रहा हूँ, आज ही सोचना शुरू किया है कि हमने सुलूंग लोगों के बारे में अभी तक कुछ नहीं लिखा है। सुलूंग लोगों के बारे में अगर मैं कुछ नहीं लिख के जाऊंगा तो मेरा आत्मा शांति नहीं होगा शायद, इसलिए मैं आज ही सोच रहा हूँ कैसे उसको शुरू किया जाए और कैसे उसका रिसोर्स पर्सन ढूंढा जाए, कैसे उसके ऊपर में रिचार्ज किया जाए। फिर स्टडी नहीं होने से एक उपन्यास नहीं लिख सकता और मैं उपन्यास ही लिखूंगा, क्योंकि मोनोग्राफ आर्टिकल तो बहुत लोगों ने लिख चुका है और मोनोग्राफ आर्टिकल लोग नहीं पढ़ता है, जिसका काम नहीं हो वो नहीं पढ़ता है, मगर नॉवेल फिक्शन लोग पढ़ लेते हैं। सर इसके अलावा हमें बोला गया है कि जो APLS का जो क्रिएशन है उसका भी शुरुआत आप ही के तौर पे हुआ था और आप ही हैं उनके फाउंडर, तो उसका जो क्रिएशन है किस तरह से हुआ और आपको क्या लगा इसको क्रिएट करने का? मैं बहुत साल से सोच रहा था कि अरुणाचल में साहित्य का बिल्कुल माहौल नहीं था, लोग साहित्य क्या है जानता ही नहीं था, कॉमन आदमी का बात तो छोड़ ही दीजिए, हम लोगों का अनपढ़ लिटरेट आदमी ज़्यादा था उस समय में आगे, तो इन लोगों के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, क्यों एजुकेटेड लोगों के बीच में भी साहित्य के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लोग किताब नहीं पढ़ता था, घर में एक न्यूज़पेपर तक नहीं रखता था। तो मैंने सोचा कि अरुणाचल में ये बहुत ही ज़रूरत है एक साहित्य का माहौल बनाना, लिटरेचर का माहौल बनाना। तो मैंने बहुत सोच रहा था एक ऐसे एक सोसाइटी बनाऊंगा जो इस फील्ड में काम कर सके, मगर मैं बाहर बाहर में घूम रहा था गवर्नमेंट सर्विस में पोस्टिंग में, तो ईटानगर में हमारा पोस्टिंग होने से भी एक साल के बाद फिर मैं बाहर में, वो मुझे बाहर में पोस्टिंग कर दिया जाता था, और बाहर में अगर पूरा अरुणाचल में के लिए करना है तो ईटानगर में ही करना पड़ेगा। हम अगर तेजू में कर देता है या तवांग में कर देता है
तो हम उधर से चला आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए 2005 में हम इधर में पहुंचा। फिर मैंने आदमी ढूंढना शुरू किया, उस समय कोई भी नहीं था लिटरेचर के बारे में बात करने के लिए। आज जहां भी जाओ लिटरेचर के बारे में बात करने के लिए, किताब के बारे में बात करने के लिए इतना आदमी निकलता था। उस समय मुझे ढूंढना पड़ता था किसका लिटरेचर के बारे में, किताब के बारे में बात निकलने से आदमी उसका चेहरा ऐसे उस तरफ कर देता था। तो ऐसे करके कुछ लोगों को मिला, फिर हम लोगों ने मिलके बनाया, आज इतना दूर तक आप पहुंचा है। जी सर, आप ही, हम मान सकते हैं कि आप ही के देन है होगा, क्योंकि आप लोग अगर शुरुआत नहीं करते तो शायद ये दिन भी आज हमें देखने को नहीं मिलता। तो सर इसी के साथ आज ऐसे इवेंट में आपको एक MOU भी दिया गया है, तो जिसका रिस्पॉन्स शायद बहुत एक्सपेक्ट कर रहे जल्दी, तो इस पर आप कैसे बात करेंगे और कब से इसका इम्प्लीमेंटेशन? MOU आज मुझे ड्राफ्ट देखने दिया था, तो मैंने ड्राफ्ट देख लिया। हम लोगों ने सबसे पहले बमजिला कॉलेज के साथ MOU साइन किया, तेजू के साथ साइन किया, असखर के साथ हो रहा है। फिर इधर में चाहता था कि आज ही साइन करें, मगर मैंने थोड़ा फिर मुझे दूसरा ड्राफ्ट वगैरह भी पढ़ना है। आज मैं ऑफिस में जा नहीं पाया क्योंकि मेरा सेक्रेटरी में एक दूसरा मीटिंग था, तो इसलिए वो आज रुक गया। मैं वो सब ड्राफ्ट को भी पढ़ के फिर ये कंपैरिजन करके कुछ अगर नया सा चीज डालना है तो ऐड करके फिर वो करूँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग लिटरेचर का जो इंटरेस्ट है, जो कब सिलसिला है, और चले और ज़्यादा बढ़े, और जाते जाते हमारे जितने भी लिटरेचर युवा रहेंगे या युवा स्पेशली जो यूथ से उनके तरफ से उनके लोगों के लाइक मैसेज। किताब पढ़िए, खूब किताब पढ़िए। आप अगर किताब पढ़ते हैं तो किताब ही सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। किताब कभी आपको विश्वासघात नहीं करेगा, और किताब हर एक वक्त आपको ये क्या बोलते हैं रास्ता दिखाएगा। आप कुछ भी बनना चाहे जिंदगी में तो आप किताब पढ़ के ही बन सकते हैं। आज किताब के साथ अपना जो फिजिकल प्रैक्टिस है वो भी करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं भी तो किताब पढ़िए, मिल्खा सिंह के बारे में पढ़िए, ये क्या बोलता है सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़िए, बड़ा बड़ा ये प्लेयर्स लोगों का जीवन के बारे में पढ़िए, उन लोगों का स्ट्रगल किसने कैसे किया था उसके बारे में पढ़िए, स्पोर्ट्स के विभिन्न स्पोर्ट्स का थ्योरी के बारे में पढ़िए, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पढ़िए। तो किताब पढ़ना ही हर एक काम में आपको साथ मिलेगा। ओके